एक टाइम पर मिडिल क्लास फैमिली में एक स्कूटर का होना बहुत प्राउड फील कराता था, और उस वक्त पर हीरो होंडा कंपनी जो कि इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी, जो कि आगे चल के इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, उस टाइम पर भी वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी। एक साइकिल चलाने वाला ग्रुप जो कि उस टाइम पर सबसे फेमस था, हीरो कंपनी, उसने बाद में क्यों होंडा कंपनी को छोड़ दिया और क्यों ये दोनों कंपनीज अलग हो गई, तो आज हम इसी चीज पर डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हीरो होंडा दोनों कंपनीज क्यों अलग हो गई और क्या रीजंस थे इनके पीछे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हीरो की शुरुआत कैसे हुई थी। 1956 में ब्रिज मोहन लाल मुंजल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने बैंक से 50,000 का लोन लिया और लोन लेकर उन्होंने साइकिल के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में सबसे पहले एस्टेब्लिश की। अब जब उन्होंने ये कंपनी एस्टेब्लिश कर दी थी, उनका काम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ भी हो रही थी और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे थे। और हीरो कंपनी ने 10 साल के अंदर ही 1,00,000 से ज्यादा बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कर ली, और ये देखकर सब हैरान हो गए थे। और धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली और इतना ज्यादा काम अच्छा हो गया था कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। आज के टाइम की बात करें तो हीरो कंपनी आज के टाइम पर भी बाइसाइकिल्स प्रोवाइड करा रही है, और सिर्फ इंडिया को नहीं, बाहर की जो कंट्रीज है उनको भी एक्सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं होंडा की, जो कि इससे भी पुरानी कंपनी है। इसकी शुरुआत करने वाले इंसान जापान के हैं और उनका नाम है सोइचिरो होंडा। तो उन्होंने शुरुआत कहां से की, अब ये जानते हैं। तो ये सबसे पहले साफ सफाई का काम करते थे गैराज में, और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसी गैराज में मैकेनिक्स का काम सीखा। धीरे धीरे वो और ग्रो करने लगे, और उसके बाद जब वो मैकेनिक्स का काम सीख गए तो उन्होंने अपनी खुद की कंपनी ओपन की, और 1937 में उन्होंने टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री के नाम से कंपनी ओपन की, जिसमें वो पिस्टन रिंग बनाया करते थे। अब जब उन्होंने इंडस्ट्री ओपन की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया और सेकेंड वर्ल्ड और में ऐसा अटैक हुआ कि उनकी कंपनी, उनकी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इस बार हार नहीं मानूंगा, उन्होंने दोबारा से उस कंपनी को शुरू किया, दोबारा से कंपनी खड़ी की, और उसके बाद वो कंपनी बनके पूरी तैयार भी नहीं हुई थी कि 1946 में अर्थक्वेक आ गया, तो वो पूरी तरीके से मलबे में बदल गई। ना ही अब उनके पास पैसे थे और ना ही इतना कॉन्फिडेंस बचा था कि वो वापस से कंपनी शुरू करें। अब कुछ समय बाद उनकी फैक्ट्री के जितने भी एसेट्स थे उन्होंने टोयोटा कंपनी को बेच दिए 4,50,000 येन में, और उन्हीं पैसों से उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया। अब जब वॉर का दौर चल रहा था तो उस समय लोग काफी ज्यादा परेशान थे और गर्मी भी काफी थी और लोग पैदल ही जाया करते थे, तो जब उन्होंने ये चीज नोटिस की तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा इन्वेंट करूं जिससे लोगों को ज्यादा पैदल ना जाना पड़े और ज्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। तो उन्होंने बाइसाइकिल के साथ क्या किया, इंजन जोड़ दिया, और ऐसे में उनका ये इन्वेंशन कामयाब रहा और सक्सेसफुल रहा। अब जब इन्होंने ये इन्वेंशन किया, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे बाइक भी लॉन्च करी, काफी तरीके के इनोवेशन किए और नई नई बाइक्स लॉन्च की, और ऐसे करके धीरे धीरे काफी सक्सेसफुल होते गए और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए। अब हमने बात कर ली हीरो कंपनी की कैसी शुरुआत हुई और होंडा कंपनी की कैसे शुरुआत हुई, अब हम बात करते हैं कि ये दोनों कैसे कंपनी मर्ज हुई और फिर ये दोनों कंपनी कैसे बाद में अलग हो गई। तो ये बात जब की है जब हीरो कंपनी ने हीरो मैजेटिक मॉब्ड करके एक बाइक लॉन्च की थी और वो उस वक्त काफी ज्यादा चल रही थी। अब उस टाइम पर इंडिया में सिर्फ 2-व्हीलर व्हीकल्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे और वही चलते थे। अब ऐसे में हीरो के फाउंडर ने ये चीज नोटिस की कि आने वाले टाइम में इनकी डिमांड और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनके पास स्ट्रॉन्ग इंजन नहीं थे जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी बना पाए, क्योंकि उस वक्त पर इंडिया में इतने ज्यादा इंजन स्ट्रांग नहीं थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना बाहर की फॉरेन कंपनी के साथ बात की जाए और उनसे इस बारे में डील की जाए। तो उन्होंने डायरेक्ट होंडा कंपनी के फाउंडर के पास एक डील रखी और होंडा ने तुरंत ये डील एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि होंडा को किसी ना भी किसी तरीके से इंडियन मार्केट में आना था, क्योंकि बाद में उसको फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च करने थे। तो उन्हें ये काफी ज्यादा अच्छा मौका लगा और उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब एग्रीमेंट के दौरान ये डिसाइड हुआ कि हीरो जो है वो बॉडी बनाएगा बाइक की और होंडा इंजन सप्लाई करेगा, और एक एनओसी भी उन्होंने साइन किया जिसमें यह लिखा हुआ था कि फ्यूचर में कोई भी अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा जिससे आने वाले टाइम में इन दोनों के रिलेशंस खराब ना हो। अब इस डील के बाद उन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया हरियाणा में, और कुछ टाइम बाद ही उन्होंने अपनी पहली बाइक लॉन्च की CD100, जो कि उस वक्त पर ऐसी बाइक नहीं थी और एक स्ट्रॉन्ग इंजन के साथ उन्होंने बाइक लॉन्च की थी। तो ऐसे में उनकी यह बाइक काफी ज्यादा
पॉपुलर हुई। अब ऐसे ही करके उन्होंने काफी और बाइक्स लॉन्च की, काफी न्यू इनोवेशन किए और धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो गई। अब एक तरफ तो उनकी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही थी और उसी दौरान जापानीज करेंसी में उछाल आ गया और जो भी वो प्रोडक्ट या जो भी चीज वो इम्पोर्ट करते थे उनकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मार्केट में काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन भी चल रहा था। अब उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि बजट में लोगों को बाइक्स मिल सके। फिर भी इन्होंने अपने मोटरसाइकिल को उसी प्राइस में बेचा और जो लॉस आ रहा था वो खुद झेल रहे थे। उसके बाद 1990 में डॉलर एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट होता है और तब लोगों को राहत मिलती है। और जब इन्हें राहत मिली तो इन्होंने किश्त पर लोगों को बाइक्स देना प्रोवाइड कर दिया और ऐसे में इनका प्रॉफिट जो था वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी कि धीरे धीरे करके इनका प्रॉफिट और इनका रेवेन्यू काफी ज्यादा अच्छा हुआ। अब यहाँ बाहर से देखा जाए तो आप कहोगे कि हीरो होंडा कंपनी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा चल रही है, साथ में इतना ज्यादा ग्रोथ कर रही है, तो आखिरकार ये कंपनीज अलग क्यों हुई? तो यहाँ पर इंटरनल सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। दोनों ही कंपनीज जो थी वो अपने अपने थॉट्स पर क्लियर नहीं थी। अब ये बात तब ज्यादा खराब हुई जब हीरो कंपनी ने ये कहा कि हमें हीरो होंडा की बाइक्स को इंडिया के साथ साथ बाहर भी बेचना चाहिए, ऐसे में हमारा प्रॉफिट और रेवेन्यू काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस चीज पर होंडा कंपनी ने एग्री नहीं किया। अब यहाँ होंडा मोटर्स ने इस चीज पर इसीलिए एग्री नहीं किया क्योंकि देखा जाए तो होंडा मोटर्स बाहर वाले देशों में और अपने देश में वो खुद की बाइक्स लॉन्च करता था और उन्हें बेचता था, तो उन्हें ऐसा लगे कि कहीं ये बाहर अगर अपनी बाइक सेल करता है तो ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा और कहीं मैं ही साफ ना हो जाऊं। बस होंडा ये चाहता था कि जो भी इंडिया के पड़ोसी देश है जैसे कि नेपाल भूटान, आप यहां तक बाइक्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ऐसे में हीरो कंपनी ने क्या स्टेप लिया, उन्होंने सोचा कि हम इंजन इनसे मांगते तो क्यों ना हम खुद से मैन्युफैक्चर करें, तो ऐसे में उन्होंने एक खुद की इंजीनियर टीम बनाई। अब ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंक्रीज हो गए। इन दोनों ही कंपनीज ने स्टार्टिंग में एक एनओसी साइन किया था जिसमें ये लिखा था कि कोई भी फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करने हैं जिससे दोनों ही कंपनीज को इफेक्ट हो, बट ये चीज होंडा कंपनी ने नहीं मानी और होंडा कंपनी ने अपनी बाइक्स और अपने प्लांट को इंडिया में लगा दिया। बट होंडा ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और 1999 में एक कंपनी की शुरुआत की इंडिया में जिसका नाम रखा होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर लिमिटेड। और होंडा ने अपनी बाइक्स को उसी सेगमेंट में उतारा जिस सेगमेंट में हीरो होंडा मिलकर जो कंपनीज उतार रही थी उसी सेगमेंट में उन्होंने अपनी बाइक्स को लॉन्च किया। ऐसे काफी इश्यूज होते रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, ऐसे में एक टाइम आया कि 2010 में दोनों ही कंपनीज अलग हो गई। दोनों ही कंपनीज के पास 26% के स्टेक्स थे तो उन्होंने अपने शेयर्स लिए और अलग हो गए और होंडा के पास जो 26% के शेयर्स थे वो शेयर्स उन्होंने $1.2 बिलियन में हीरो को दे दिए। तो ऐसे करके ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि कैसे पहले हीरो होंडा दो अलग कंपनीज थी, उसके बाद दोनों मर्ज हुई और उसके बाद फिर दोनों ही कंपनीज स्प्लिट हो गई। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।